मैं जब 15 साल का था तो मैं और मेरा फ्रेंड मेरे रूम में वीडियो गेम खेल रहे थे। हमारा वो सबसे अच्छा टाइम पास था जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था। एक पर्टिकुलर दिन ये अचानक रुक गया जब हमने मेरे और उसके पापा के आने की आवाज सुनी। हमें बुलाने की, ये तो नॉर्मल है, सबके लिए पेरेंट्स तो बुलाते ही है, बट मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मैं जल्दी से उठा और तुरंत टीवी और गेम बंद किया और पेरेंट्स के रूम में आने से पहले ही मैं बाहर आ गया और मेरे फ्रेंड को भी सेम करने को बोला। ऐसा कुछ था नहीं कि हम कोई गलत काम कर रहे थे, बियर सिगरेट वगैरह, बट मुझे ये डर था कि कोई मेरे गेम के कलेक्शन को ना देख ले। मुझे जल्दी ही समझ आ गया था कि मेरा गेम्स के साथ यूनिक कनेक्शन है। मेरे सभी फ्रेंड्स की कुछ ना कुछ तो हॉबी थी, बट गेम्स को कोई उतना पसंद नहीं करता था जितना कि मैं। वैसे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि एक बार इसको मेरे ऊपर आर्गुमेंट में यूज किया गया। मुझे याद भी नहीं है कि आर्गुमेंट किस बात को लेकर हुआ था, बट एक लाइन अच्छे से याद है कि तू तो अभी भी बच्चों जैसे वीडियो गेम खेलता है और घर में ही रहता है। और ये पहला मोमेंट था मेरी लाइफ का जब मैंने वीडियो गेम्स को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखा था। माइंड में ये बात आने लगी कि मेरी इस हॉबी जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ इसमें कोई तो प्रॉब्लम है। कुछ टाइम बाद जब मैं कॉलेज आया तो ये और ज्यादा लगने लगा। मैंने वीडियो गेम्स को लेकर बार बार सेम बिहेवियर देखा कि ये तो ओनली लोनली पीपल के लिए है, लूजर्स खेलते हैं। आउटसाइड एक्टिविटीज को ज्यादा माना जाता था और आज भी माना जाता है। बाकी सब पार्टी करते और ड्रिंक करते और मैं घर पर वीडियो गेम खेलता। मैंने बाहर जाना भी कम कर दिया तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी कम होता गया। मैं और ज्यादा टाइम तक गेम्स खेलने लगा और अपने आप में गिल्ट भी बढ़ता गया कि मुझे ये एंजॉय का मीडियम तो पसंद है बट साथ में फेलियर भी लगता है इसमें पार्टिसिपेट करने में। ये सब कंटिन्यू चलता रहा मेरे जॉब करने के बाद भी। और अब पैसे कमाने लगा तो आप मल्टीपल कंसोल भी अफोर्ड कर सकता था, तो वही किया। मैंने PS5 और Xbox दोनों ले लिए जैसे ही वो रिलीज हुए। और मैं अकेले अपार्टमेंट में रेंट पर रहता था तो सेटअप भी कर लिया बिकॉज देखना तो किसी को है नहीं। बट एक दिन मेरे कलीग्स ने एक सजेशन किया कि सब मेरे यहाँ आते हैंग आउट करने और मैं मना भी नहीं कर पाया बिकॉज कोई रीजन तो था नहीं मना करने का। अब वो बचपन का डर वापस आ गया कि क्या कहेंगे मेरे गेम्स के सेटअप को देखकर। और 3 कलीग्स में से 2 गर्ल्स हैं, क्या सोचेंगे वो। मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं अभी भी वीडियो गेम्स खेलता हूँ। जब वो घर पर आए और सेटअप देखा तो मुझे लगा अब आएंगे क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन बहुत गर्ल्स का था कि कैन वी प्ले। पहले तो लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। तो फिर क्या था, मैंने एक फाइटिंग गेम बूट अप किया और कंट्रोलर उनको दिया। वो समझना चाहते थे कि किस बटन से क्या होता है, कॉम्बो कैसे यूज करते हैं। भाई सच बताऊं यकीन नहीं हो रहा था इसको लेकर। और उस दिन मुझे 3 घंटे तक कंट्रोलर्स भी नहीं मिले। हमारा फिर टॉकिंग पॉइंट भी हो गया था बिकॉज मेरे पास गेम्स भी बहुत थे और सबका प्रेफरेंस भी अलग था। मेरी वीडियो गेम्स खेलने की जो पहले गिल्ट थी वो अब कनेक्शंस को स्ट्रांग बना रही थी। ये एक वो पॉइंट था जिसने मेरे वीडियो गेम्स खेलने के गिल्ट को खत्म कर दिया था। हाँ एक टाइम ऐसा भी था कि मेरी हॉबी और सोशल लाइफ के बीच ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहा था। ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं पार्टी में जा सकता था इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। बट आपको कभी गिल्ट फील नहीं होना चाहिए वो करने से जो आपको पसंद है। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि काश मेरे यंगर सेल्फ ने वो कन्वर्सेशन देखा होता कि एक दिन जो सीक्रेट वो सबसे छुपाता है वो सबको पास लाएगा, कि काश वो जल्दी समझ जाता कि इट्स ओके टू बी पैशनेट, इट्स ओके टू एम्ब्रेस व्हाट यू लव, इट्स ओके टू प्ले वीडियो गेम्स।